दोस्तों मैं सुदैन अहमद। दोस्तों 15 अगस्त के दिन 15 अगस्त का बड़ा ही अच्छा माहौल था, लेकिन लाल किले पर मोदी जी ने झंडा फहराया और झंडा फहराने के साथ मोदी जी के ने बहुत ही ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। और उस भाषण को देख करके लग रहा था कि मोदी जी तो अब जल्दी कुर्सी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। सारी हुई चीज़ें आप लोग को बताएंगे, क्या क्या उनने अपने भाषण में बोला, स्पीच में क्या क्या बोला, और महंगाई के बारे में, सब्जी की महंगाई के बारे में और भी अगर वगैरह चीज़ों के बारे में बोला, ये सारी चीज़ें आप लोग को विस्तार से बताएंगे। लेकिन इसको जानने से पहले आप लोग को एक और विशेष जानकारी दे दें जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ज़्यादातर लोग स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं, लेकिन ये खास जानकारी उन लोगों के लिए है जो अपने एंड्रॉयड सिस्टम स्मार्टफोन को अपडेट नहीं करते। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन टीम यानी कि CEIRTN की तरफ से जानकारी भेजी गई है लोगों के पास कि लोग जो अपने एंड्रॉयड सिस्टम को अपडेट नहीं करते हैं उनके पास से काफ़ी ज़्यादा वर्ग मिले हैं। लेटेस्ट वर्जन 10, 11, 12, 13 इन लेटेस्ट वर्जन की तरफ से काफ़ी सारे वर्ग मिले हैं। और ये कई सारे वर्ग मिले हैं जिनकी तरफ से और जिनकी मदद से हैकर्स आपके मोबाइल फ़ोन को, स्मार्टफोन को हैक कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और एक्सेस करने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन के पर्सनल फोटोज़, गैलरी के फोटोज़ और यहाँ तक कि है आपके बैंक खाता की सारी पर्सनल डिटेल और सारी डिटेल जान सकते हैं। और उनका ही इसमें फ़ायदा होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पर आप लोग को सिक्योरिटी करनी है। अब आप लोग इस पर सिक्योरिटी कैसे करेंगे? इस पर आप लोग को करना है सिक्योरिटी ये कि आप जब अपना स्मार्टफोन चलाते हैं तो आपके पास कोई नोटिफिकेशन या आपके स्क्रीन पर कोई बैच आता है तो वो अपडेट होने के लिए मांगता है, तो आप उसको तुरंत ही अपडेट करें। जैसे कि आप लोग उसको अपडेट कर लेंगे तो आपकी सिक्योरिटी और मजबूत हो जाएगी। और आप लोग उसको अगर अपडेट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप तुरंत उसको अपडेट कर लें। जहाँ तक कि है आप लोग प्ले स्टोर से ही अपडेट करें या फिर ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करें या गूगल प्ले स्टोर से आप लोग कर सकते हैं अपना स्मार्टफोन अपडेट। तो फिलहाल सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो ये बड़ी चेतावनी CERTEN की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है, तो आप लोग अपनी ये सिक्योरिटी बनाए रखें और इसको मजबूत करें। फिलहाल ये बड़ी जानकारी थी जो कि आप लोग को देना बहुत ही ज़रूरी थी। ख़ास तौर पर लोग एंड्रॉयड वर्जन 13 चलाते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। तो प्लीज़ आप लोग अपनी मोबाइल फ़ोन की सुरक्षा करके रखें ताकि आप लोगों की कोई पर्सनल डिटेल ना ले सके। फिलहाल अब अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। 15 अगस्त के दिन मोदी जी ने लाल किले पर झंडा फहराया और अपना भाषण दिया। अब उन्होंने अपने भाषण में, अपनी स्पीच में, उनको भारत के अंदर हो रही महंगाई के बारे में बताना चाहिए था, लोगों की स्वस्थता के बारे में बताना चाहिए था कि उसको कैसे क्या करना है, महंगाई कम होगी या नहीं, तो ये सारी चीज़ें उनको गिनानी चाहिए थी। लेकिन वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने ये सारी बातें भी की, लेकिन उन्होंने ये बातें डायरेक्टली नहीं की, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने ये सारी बातें कहीं घुमा करके ये बातें सारी कही। तो मोदी जी को इस वक्त हो रही हर जगह छोटी छोटी बातों से भारत में, देश में हो रही नफरत को हटाना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए, लोगों की स्वस्थता के बारे में बोलना चाहिए कि सब्जियों पर जो इतनी ज़्यादा महंगाई है उसके बारे में बोलना चाहिए और भी चीज़ों के बारे में बोलना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। और अब मोदी जी का कहना है कि 2047 तक ये भारत बिल्कुल अलग हो जाएगा, ये भारत बिल्कुल ही अलग दिखने लगेगा। ये अब जो 2047 तक जो भारत आएगा वो बिल्कुल ही बदल जाएगा और ये आने वाले 5 साल ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप लोग ये मुझे आने वाले 5 साल देंगे
तो मैं 2028 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में होगा। तो आप लोग ये आने वाले महत्वपूर्ण 5 साल मुझे दीजिए और इन आने वाले 5 सालों में मुझे लेकर के आइए, तब मैं इन आने वाली उन 2047 तक भारत को पूरा बदल करके रख दूंगा। ये जो तस्वीर आप लोगों को दिखाई दे रही है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। ये कुछ बड़ी बातें मोदी जी ने लाल किले के ऊपर खड़े होकर के कही। इधर लाल किले पर मोदी जी ने अपनी कुछ बातें कही, वहीं इधर SBI ने अपने कुछ आंकड़े जारी कर दिए। SBI ने कहा, SBI की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं वो आंकड़े हैं कि SBI कह रही है कि अब 2023 में हर इंसान सालाना 2 लाख रुपए कमाता है और आने वाले समय में 2047 में इंसान हर एक इंसान 14,90,000 कमाएगा, यानी कि पूरे 15 लाख रुपए एक इंसान कमाएगा, वो भी सालाना। ये SBI की तरफ से ये आंकड़े जारी हुए हैं। और इधर मोदी जी ने भी 2047 के आंकड़े जारी कर दिए। इधर 2047 की बात हो रही है और इधर SBI ने अपने 2047 के आंकड़े जारी कर दिए। अब मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है तो हम उसको भी कम करेंगे और आने वाले 5 साल मुझे दो। अब मोदी जी को 10 साल तो दे दिए और जिससे भी पूछा जा रहा है कि अब तक क्या हुआ है कि ये इन आने वाले 10 साल जो बीत गए उन 10 सालों में महंगाई पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब मोदी जी कह रहे हैं अभी और भी महंगाई कम होगी, लेकिन मोदी जी ने कहा कि भारत से लेकिन मोदी जी ने कहा कि और भी देश हैं जो महंगाई से जूझ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महंगाई बढ़ी हुई है, जो और भी देश इस महंगाई से जूझ रहे हैं, लेकिन उन देशों के मुकाबले यहाँ हमारे देश भारत में महंगाई काफी ज्यादा कम है। पहले सिलेंडर 400-500 रुपये मिला करता था और अब 1,000 रुपये से ऊपर का सिलेंडर मिल रहा है, तो महंगाई तो बढ़ ही गई है। और भी मोदी जी ने बहुत बहुत बड़ी बातें कही कि मैं अगले साल फिर से यहीं पर खड़े होकर के झंडा लहराऊंगा। और ये बात कांग्रेस को बहुत बुरी लगी। कांग्रेस के गौरव नेता ने कहा कि मोदी जी बहुत अहंकारी हो रहे हैं, अगले साल यहाँ खड़े होकर के नहीं अपने घर पर खड़े होकर के झंडा लहराएंगे। तो और भी मोदी जी ने बहुत बहुत बड़ी बातें कही, लेकिन इन सभी बातों को रखते हुए मोदी जी ने ये भी कहा कि मैं अगली बार फिर से यहीं पर खड़े होकर के लाल किले के ऊपर झंडा लहराऊंगा। मोदी जी ने 2024 के चुनाव में भी अपने आप को देश का प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया है। पता नहीं मोदी जी के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है। आप लोग की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, मोदी जी कह रहे हैं महंगाई कम जरूर होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं कौन के साथ, तब तक के लिए अपना